जब आवे याद करे जा कुकेला, जब जब आवे याद करे जा कुकेला। नदिया छाओ नदिया गाओ पिपरा के छाओ, कब हो ना बिसरेला। जब जब आवे याद करे जा कुकेला। नमस्कार भोजपुरिया जहान, हम ही गोपाल राय और आज हम बैठल बने भोजपुरी के पितामह, भोजपुरी के प्रतीक, भोजपुरी के सम्राट, आप जौन कहली कौनो पहचान के मोहताज नहीं के, हमनी के बड़का भैया श्री भरत शर्मा व्यास भैया के प्रणाम करते नहीं, और आदरणीय श्री दीपक राय जी भोजपुरी और हिंदी साहित्य के बहुत बड़हन विद्वान बानी। सौभाग्य बा के हमनी के दोनों भाई के बीच में आपके कुछ आपसे सीखे के मिली, कुछ वार्ता हुई। और आज हमनी के ऐसे तो भैया खास तौर पे भरत शर्मा के हैं या गोपाल राय के हैं के उजाला तक कहला कि इंटरव्यू आपके लेवे के बाद, लेकिन ये पहला यूट्यूब चैनल हम देखनी है बात विवाद, जो उनकी कहल गई कि हम चाहते हैं कि आप दोनों भाई और आपके सानिध्य में थोड़ा कुछ भोजपुरी के बारे में कुछ बात कर जाओ, कुछ चिंता कर जाओ। हाँ, बिल्कुल। तो ये बड़ी अच्छा लागल कंसेप्ट हमारा, तो आज हमनी के बहुत सौभाग्यशाली बनी जा कि भरत भैया के गांव नगपुरा जौन बक्सर जिला में बाटे, भैया के गाँव में आयल बनी जा घर से चाय पी के। और हमरा जेहन में आयल दीपक भैया की लगभग 2001 के आसपास भैया अपनी हाथे बगीचा एगो लगावत रहले, तो दिमाग में आई लगी बगीचा तब बहुत बहन हो गई। सबसे बढ़िया अवसर है कि उजे बैठ के बातचीत कर जाओ, तो भैया से अपने भैया बगीचा में चल जाओ देखल जाओ कैसन बाजे बैठल जाओ। तो आज ही हरा भरा बगीचा पूरा बढ़िया वही बगीचा में बैठल बनी जा, कि कह जाओ कि अपना यौवन पर बा। जी, अपना यौवन पे बाटे। और ये एगो खासियत के संगे भरत भैया के कि भरत भैया के गाना बजाने के संगे संगे ये शौक कि खेती के का भैया जरूर खेती के भी शौक बाटे, बाग बगीचा लगा के तमाम के लेते हुए। तो हम ऐसे कहने दीपक भैया कुछ भैया से ऐसा चीज पूछल जाओ समझ ना, हमने के एगो ये समझ में भी बा कि भोजपुरी मने गांव गवई के संस्कृति, जी खेती बाड़ी रहे बाग बगीचा रहे तो उसमें भोजपुरी का संस्कृति तनी और परवान चढ़ेला। आ वो माहौल में अगर भरत भैया से बातचीत होता तो ऐसे बढ़िया क्या बा हमने कहता।